ओके जॉर्जेस भाई ने क्वेश्चन पूछा है, मैं सही से नाम प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, खान साहब बोलूंगा आपको। ओके खान साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि जो मसल ब्लेस का क्रिएटिन है उसमें बेसिकली ये लिखा है कि आप दूध के संग इसे ना लें, और खान साहब का कहना है कि मांस गेंदर के साथ मैं इसे लेना चाहता हूँ या मतलब ले रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से कुछ टाइम पहले कि दूध के साथ आप क्रिएटिन ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। कौन सी? मीठी चीज़ मिल रही है दूध से, क्या? लैक्टोज नाम की शुगर। और जब आपने बहुत से लोगों को देखा भी होगा कि प्रोटीन के साथ क्रिएटिन मिक्स करके लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती। सिंपल सी बात है, अगर प्रॉब्लम होना ही होती तो इन दोनों के मिक्सअप से हो जाती ना, प्रोटीन प्लस क्रिएटिन, बिकॉज ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे किससे बना है, जाहिर सी बात है उसका बेस दूध ही है, दूध से ही बना है। तो यहाँ पर आपके डर का एक यही सॉल्यूशन है कि या फिर तो आपको माइंड से ये निकालना पड़ेगा कि भाई कुछ नहीं होता ऐसा, सब सिंपल है, सब नॉर्मल है। अगर आपको लगता है कि डर लग ही रहा है कि भैया इससे तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो आप दूध के साथ क्रिएटिन ना लेकर कुछ थोड़ा सा आगे पीछे टाइमिंग कर सकते हो, कुछ इस तरीके से मील रख सकते हो कि आपको क्रिएटिन लेते टाइम मीठी चीज़ तो मिले लेकिन दूध ना मिले, कुछ 2-3 मील पीछे रख सकते हो, या सुबह रख सकते हो, शाम को रख सकते हो, इस तरीके से आप कुछ एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी डाइट यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी डाइट भेज देना, मैं उसमें से कुछ चेंजेस करके सेट कर दूंगा। आई होप खान साहब आपको अच्छे से समझ में आया होगा आप क्या पूछना चाह रहे हो।